नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। भारत में 100% एथेनॉल फ्यूल पर चलने वाले वाहन अगस्त में लॉन्च किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में कहा कि यह देश में एक क्रांतिकारी पहल होगी जो इंपोर्ट ऑप्शन कास्ट इफेक्टिव पॉल्यूशन फ्री और पूरी तरह स्वदेशी होगी। वर्तमान में भारतीय बाजार में एथेनॉल की कीमत लगभग 66 रुपए लीटर के आसपास है और पेट्रोल की कीमत 108 रुपए के आसपास चल रही है। अगर ऐसा होता है तो जल्द ही भारतीय सड़कों पर सस्ते फ्यूल पर टू व्हीलर और कारें दौड़ती नजर आएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगस्त से मैं 100% एथेनॉल पर चलने वाले वाहन लॉन्च करूंगा। बजाज, टीवीएस और हीरो ने 100% एथेनॉल पर चलने वाली मोटरसाइकिलें बनाई हैं। उन्होंने कहा कि टोयोटा कंपनी की 60% पेट्रोल और 40% बिजली से चलने वाली कैमरी कार की तरह ही अब देश में ऐसे वाहन लॉन्च किए जाएंगे जो 60% एथेनॉल और 40% बिजली से चलेंगे। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर के फॉर्मेशन से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इको फ्रेंडली फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस से होता है, लेकिन स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल जैसे मक्का, सड़े आलू, कसावा और सड़ी सब्जियों से भी एथेनॉल तैयार किया जा सकता है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।